जी सर, हाँ सर, रिकॉर्डिंग ऑन है सर, आरंभ करते हैं सर। हाँ, आप शुरू करवाइए। जी जी सर, स्वागत है विद्यार्थियों, आप लोगों का पुनः एक बार ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां आप और हम पुनः एक बार आमने सामने बैठ चुके हैं एक नई विषय पर चर्चा करने के लिए, जो आपके बीए कोर्स से संबंधित है। बीए के द्वितीय छमाही की आपकी पेपर है जो घनानंद के ऊपर है मुख्य रूप से, जैसा आप लोगों को ज्ञात होगा, इसके पहले वाले सेमिस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो उस इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग मुख्य रूप से घनानंद पर चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से रिक्तिकालीन कवि के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं हिंदी साहित्य पर। और इस चर्चा परिचर्चा में हमारे समक्ष भाग लेने के लिए कलकत्ता से हुगली मोहसिन कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चक्रधर प्रधान सर जुड़ चुके हैं। तो मैं सर का स्वागत करता हूँ अपने विभाग की ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से, पुनः एक बार इस चर्चा में अपना समय देने के लिए, सहभागिता करने के लिए। तो सर स्वागत है सर आपका, और सर आप अपने विषय को सर आरंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद के साथ और आपके प्रेम पूर्ण बुलावे के साथ। जब आपका फोन आता है और कक्षा के लिए कुछ बातचीत होती है तो मुझे भीतर से सहर्ष तैयार होने की आवाज आती है कि आपको नहीं नहीं कहना है। उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के बीए के तमाम विद्यार्थियों और उस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति मेरे स्नेह भाजन अभिषेक जी और आप सभी जिन्होंने मुझे कलकत्ते में रहकर उड़ीसा में रहने का आनंद दिया है, कम से कम आज के लिए। जब भी कक्षा में बातचीत होती है उड़ीसा के विद्यार्थियों के साथ, मेरे राज्य के विद्यार्थियों के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उड़ीसा में हूं। तो आप लोगों ने यही आनंद, इसी कमरे में 4 महीना हो गया मैं नहीं निकला हूं, किंतु आप लोगों के साथ संवाद करते हुए मैं बहुत संतोष का अनुभव करता हूं। कोई तो है जो हमारे साथ साहित्यिक संवाद के लिए एक सूत्रधार का काम करता है, वह सूत्रधार अवश्य अभिषेक जी हैं, है ना। तो उनके अनुसार उन्होंने जो मुझे विषय दिया है, अपनी आप बीती को ज्यादा नहीं कहते हुए, आज एक ऐसे कवि की आप बीती सुनाऊंगा जो सुनकर आप भी रसमग्न हो जाएंगे। कई दिनों से मैं उनसे संबंधित जो मेरे पास उपलब्ध सामग्रियां हैं उसके अध्ययन से मैं उस कवि को जिस रूप में समझ सका हूं, अपने अनुभव से अति विनम्रता के साथ वह अनुभव आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विषय है रसखान, व्यक्तित्व और कृतित्व। विषय इतना बड़ा है कि इसको 1.5 घंटे के भीतर कहना भी कठिन है, किंतु चेष्टा करूंगा, क्योंकि दो पक्ष है, रसखान का व्यक्तित्व है और दूसरा पक्ष है रसखान का कृतित्व। ये सब विद्यार्थियों के हित कहा जा रहा है, इसमें रंज भर भी विद्वता प्रदर्शन है नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, चेष्टा कर रहे हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो कुछ प्राप्त हो सका उस प्राप्ति को आपके समक्ष रखने का प्रयास है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले कह देना चाहता हूं कि आपके पास उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की सामग्री, पाठ्य सामग्री होगी, उसमें रसखान से संबंधित जानकारियां भी होंगी। मैं जो कुछ कहूंगा वह एकदम नया है ऐसा दावा नहीं करता, हां जितना कुछ समझ सका उस समझ को आपके सामने रख रहा हूं। रसखान कई नामों से ख्यात है,
उनका एक नाम है मियां रस खान, उनका और एक नाम है रस खानी, और उनका एक प्रसिद्ध नाम है सैयद इब्राहिम। इसमें रसखान कौन है इसका पता अब तक नहीं लग चुका है, किंतु समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि रसखान रसखान के नाम से प्रसिद्ध हैं और एक संप्रदाय रहित कृष्ण भक्त कवि के रूप में परिगणित हैं। रसखान का जन्म, रसखान की शिक्षा दीक्षा, रसखान का समय, रसखान कहाँ रहे, कहाँ थे, कहाँ जन्म हुए, उनका जन्म स्थान, यानी कि उनका जीवन वृत्त कहीं भी लिखा नहीं है। जीवन वृत्त से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है, किंतु अंत साक्ष्य के अनुसार उनकी रचनाओं से कुछ सूत्र मिलते हैं उनके जीवन वृत्त से संबंधित, जहां उनके जीवन को परखने का, उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को जानने का सूत्र हमें मिल जाते हैं। वैसा एक छंद है उनकी कृति प्रेम वाटिका के। प्रेम वाटिका के उस छंद में रसखान लिखते हैं, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान, प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम, लयो सरस चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। ये एक प्रसिद्ध छंद है जो प्रेम वाटिका का छंद है। इसमें देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, मैंने दिल्ली महानगर में गदर जो उस नगरी को श्मशान शाह बना रहा था उसको मैंने देखा है, और उसकी ठसक को छोड़कर, उस बादशाह वंश की परिधि को छोड़कर मैं रसखान कहां चला आया, प्रेम निकेतन श्रीवन ही, प्रेम निकेतन श्रीवन महावन वृंदावन गोवर्धन धाम। गोवर्धन धाम का जो वृंदावन है, जो श्रीवन है, प्रेम निकेतन के रूप में प्रसिद्ध है, मैं वहां चला आया और लहयो सरस चित्त चाही की, और वहां के परिवेश देखकर और भगवान राधा कृष्ण के जुगल स्वरूप को देखकर, जुगल स्वरूप ललाम कृष्ण को देखकर मेरा चित्त सरस हुआ, मैं वहां चला आया। तो इसमें एक सूत्र मिल रहा है कि दिल्ली नगर के आसपास रसखान का जन्म हुआ था या हुआ होगा। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार दिल्ली का गदर सन 1555 ईस्वी में हुआ था, और तब ये रसखान अनुमान के आधार पर 15-20 वर्ष के रहे होंगे, गदर छोड़कर आए होंगे। तो उनका जन्म 1533 ईस्वी माना जा सकता है, और उनके जन्म स्थान दिल्ली के आसपास पिहानी का नाम उल्लेख है, और यह पिहानी उत्तर प्रदेश के जो स्थान है, उस स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश का हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई के पास भी पिहानी है, जहां सैयद इब्राहिम नाम के
मुगल बाप वो क्या बोलते हैं खान साहब मियाँ साहब रहते थे, उन्हीं को लोगों ने रस खान माना है। किंतु बात जो गवेषणा हुई है, जो अनुसंधान हुआ है, वह मिथ्या साबित हुआ है कि सैयद इब्राहिम और रस खान एक नहीं है। इस प्रकार उनके जन्म स्थान आदि का प्रामाणिक तथ्य हमें नहीं मिल पाता है। हम उनके जन्म संबंध में जो कुछ कहते हैं, इतिहास के ग्रंथों में लिखित और विद्वानों के द्वारा कथित तथ्य के अनुसार आपको कह रहे हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कई विद्वान 1548 ईस्वी को उनका जन्म समय मानते हैं, तो कई विद्वान 1590 ईस्वी को उनका जन्म समय मानते हैं, और उनका जो अवसान समय है उसे 1628 माना जाता है, और उनका समाधि स्थल मथुरा का महावन प्रसिद्ध है, वहां आज भी मियां रसखान की समाधि है महावन में। तो इस प्रकार इनके जीवन, इनके समय, इनकी इनके रचनाकाल एवं इनकी रचनाओं के बारे में कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होने पर भी हिंदी साहित्य के इतिहास के तथ्य के अनुसार हम उनका समय 1533 से लेकर 1628 तक मान सकते हैं। इसी समय में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, और ये समय उन्होंने वृंदावन में बिताया, मथुरा में बिताया, यमुना के किनारे बिताया। तो जिस महान कृष्ण भक्त कवि और कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में से शुमार रस खान के व्यक्तित्व की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें उनके व्यक्तित्व का पहला रूप यह उभर कर सामने आता है कि उनके हृदय में गदर का प्रतिकूल प्रभाव, गदर की विभीषिका का प्रभाव पड़ा था, और वे उस गदर से निकल करके आए थे। तो उनके व्यक्तित्व का पहला पक्ष हो सकता है, यह हो सकता है कि उन्हें युद्ध की विभीषिका कभी पसंद नहीं थी। मार काट, रक्तपात आदि से वो परेशान थे। कारण उनके भीतर की जो मानवीयता थी, उनका जो इंसानियत था, वह पठान वंश या उस तत्कालीन गदर की परिस्थिति से भागने को कह रहा था, और वो भाग चले आए। तो हम कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि रस खान, संप्रदाय रहित कृष्ण भक्त कवि रस खान, विट्ठल नाथ के शिष्य परंपरा में सुमार और बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कवि रस खान या रस खानी, जो श्रृंगार रस की खान है, उनके विशद व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तित्व के अनुसार कृतित्व आगे बढ़ता है। जैसा व्यक्तित्व होगा वैसी रचनाएं होंगी, यानी कि उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पक्ष है मानवीयता, मानव प्रेम, प्रेम ईश्वर प्रेम, जिसको कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति के रूप में कहा जाता है, या कह सकते हैं
मानव मात्र के प्रति प्रेम, कृष्ण के सानिध्य में आए हर चीजों के प्रति प्रेम, मथुरा के प्रति प्रेम, यमुना के प्रति प्रेम, वृंदावन और कृष्ण लीला से संबंधित उन सारे तत्व के प्रति प्रेम है। अतः रस की खान, प्रेम रस की खान है, भक्ति रस की खानी है, श्रृंगार माधुर्य और वात्सल्य रस की खान है, रस खान। ऐसे उजले व्यक्तित्व के बारे में हम आज इसलिए जान रहे हैं कि इसकी प्रासंगिकता बहुत है। यूं कहें कि आज प्रेम शब्द के श्रवण से लोगों को आनंद कम आता है, घृणा ज्यादा आती है। मान लीजिए कोई किसी से प्रेम कर रहा है और लड़का लड़की हो और कोई कहता है कि वे दोनों आपस में प्रेम करते हैं, तो उन्हें हम थोड़ी सी अटपटी दृष्टि से देखते हैं, घृणा तो नहीं कहेंगे। ये दृष्टि ये सोचने के लिए हमें मजबूर कर देती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि प्रेम करना कोई अच्छी बात नहीं है, मिलना, लड़कियों से मिलना ये अच्छी बात नहीं है। तो कृष्ण जब इतनी लड़कियों से मिलते थे तो उसको हम कैसे लीला कह के आज पढ़ रहे हैं? कृष्ण की लीला है, कृष्ण की प्रेम माधुरी वर्णन है, का वर्णन है, कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, राधा का सौंदर्य वर्णन, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। और रसखान सरस होकर सरस हृदय से उन लीलाओं का वर्णन करते हैं और उस वर्णन का रस हम लोग ले रहे हैं, आज लेंगे, लेने वाले हैं। तो क्यों, प्रश्न उठता है और इसका उत्तर है, प्रेम का कोई पर्याय हो नहीं सकता, प्रेम घृणित हो नहीं सकता। प्रेम वह लोकोत्तर आनंद है, जो करता है वही जानता है, यानी कि प्रेम व्यापक, गूढ़, सूक्ष्म और मानव मात्र में परिसीमित एक अलौकिक तत्व है। प्रेम को सीमित नजरों में देखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए रसखान का प्रेम वर्णन, रसखान का कृष्ण प्रेम वर्णन आज अपनी प्रासंगिकता दायर करता है। कह रहा था कि कृष्ण भक्त कवि रसखान, उन्होंने कृष्ण का, कृष्ण की सगुण लीलाओं का वर्णन किया है, उन्हें निर्गुण रूप से भी स्वीकार किया है। उनकी बाल लीला, रास लीला, भाग लीला, कुंज लीला, उन्हें प्रेम वाटिका का माली और राधा को मालिन बनाकर वार्तालाप करवाना तथा कृष्ण प्रेम से संबंधित मुक्त जो छंद लिखे, वो सब उनकी कृति व संकलित कृति सुजान रसखान में संग्रहित है। तो उनके व्यक्तित्व का जो सहज सरल भावुक पक्ष है, वह उभर कर उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित है, उसका प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा उल्लेख कर देना चाहता हूं कि हिंदी के मुसलमान भक्त कवियों पर एक समय भारतेंदु ने एक उक्ति कही थी, वह उक्ति है, इन मुसलमानन हरिजनन पर
कोटि की हिंदू बारिये, इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये, और उन मुसलमानन हरिजनों में प्रथम जो थे वो रस खान थे। यह पंक्ति बा यह उक्ति रस खान के व्यक्तित्व का प्रमाण है, क्योंकि वो जन्म से मुसलमान हैं किंतु हरिजन हैं, हरिजन यानी कि हरिभक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूं उनके समय पर, समय से संबंधित तथ्यों को। कई विद्वान 1613 को दिल्ली गदर का समय घोषित करते हैं, और यदि 1600 में दिल्ली गदर हुआ था और उन्हें यदि 15-17-20-25 बरस हुए होंगे, तो 1590 को उनका जन्म काल सिद्ध होता है। और एक विद्वान है, उनका नाम है भवानी शंकर याज्ञिक, वे इसे सिद्ध करते हैं कि उनका जन्म 1590। जो हो, 1548 हो, 1533 हो, 1590 हो, ये 1628 तक वर्तमान थे, और इसी काल में इन्होंने जो रचनाएं की वे रस के खान है। उन्होंने लिखा है, त्यों रस खानी यूं वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। देखिए क्या चमत्कार है, लिखते हैं रस खान, त्यों रस खानी वही रस खानी जो है ना। रस खान कौन है यहां? रस खान, रस के खान, प्रेम रस के खान भगवान कृष्ण हैं, वही रस के खान हैं। और उसी रस के खान से मैंने जो रस पाए हैं वो भी रस खान ही है। उस रस के खान जो स्वयं रस खान है कृष्ण, उन्हीं के रस से जो थोड़ा बहुत मैंने चखा है स्वाद, उस रस का स्वाद मैंने लिया है, मैं उसी रस को वर्णन करता हूं और रस खान के रूप में प्रसिद्ध। इसलिए त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। ये है रस खान, ये है रस खान का व्यक्तित्व, ये है रस खान का वह उजला मानविक रूप, वह उजला मानविक रूप जो हर समय भक्त के रूप में, कवि के रूप में और एक भावुक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। उनकी एक प्रसिद्धि आपको कह देना चाहता हूं विद्यार्थियों के लिए, कि उनके दीक्षा गुरु विठल नाथ थे और वे वल्लभ संप्रदाय के सदस्य माने जाते हैं। इसीलिए माने जाते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में जो प्रेम माधुरी का वर्णन है, जो भक्ति का वर्णन है, उसी से इनका प्रेम और भक्ति वर्णन, माधुर्य वर्णन मिलता जुलता है। इसीलिए यह कहा गया है कि वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। एक पुस्तक है मूल गोसाई चरित, जिसमें उनका संबंध तुलसीदास के साथ माना जाता है। यह प्रसिद्ध है कि तुलसीदास ने पहली बार रामचरितमानस रस खान को सुनाया था, वो भी कहां? यमुना के तट पर। मूल गोसाई चरित्र में यह उल्लेख है, यमुना तट पे त्रय वत्सर लो, रस खान ही जाहि सुनावत भो। यानी यमुना तट पर
तीन वर्ष तक रस खान के पास जा जाकर तुलसीदास ने रामचरितमानस सुनाया था, अर्थात रामचरितमानस का पहला श्रोता रस खान है। बताइए वो कैसे किस रस में उस समय डूबे होंगे। किंतु रस खान की रचनाएं कृष्ण भक्ति से संबंधित है। मैंने तो उनकी पूरी रचनाएं नहीं पढ़ी है, मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वहां राम के बारे में जिक्र है कि नहीं है, कि राम भक्ति के बारे में कथन है, मैं ये नहीं कह सकता हूं। किंतु जितने भी पद्य हमें मिले हैं उसमें कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, कृष्ण लीला का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है। तो ऐसे उजले व्यक्तित्व के धनी, पहले भावुक, उसके बाद भक्त, उसके बाद कवि रसखान के बारे में हम लोग जानकर जरूर लाभान्वित हुए होंगे, और हम मुसलमान भक्तों के प्रति श्रद्धा अवनत भी होंगे। मैं थोड़ा सा जोड़ता हूं, हमारे ओडिशा में भी मुस्लिम कृष्ण भक्त की कमी नहीं है। प्रसिद्ध जगन्नाथ भक्त साल्वेक मुस्लिम ही थे। तो भक्ति के लिए किसी धर्म का दायरा नहीं दिया जा सकता। मुसलमान हरिभक्त या कृष्ण भक्त नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका प्रमाण रसखान है। अब उनकी कृतियों पर थोड़ी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, उनके कृतित्व पर। उनकी जो चार कृतियां हैं उनमें प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम और दान लीला ये प्रसिद्ध है। इनमें से प्रामाणिक रचना और उनके अंतिम दिनों की रचना प्रेम वाटिका है। इसका रचना काल 1614 ईस्वी माना जाता है। तो 1614 उनके जीवन के आखिरी समय में, आखिरी तो नहीं कहेंगे कि अंतिम जो है वो समय है। उसके बाद दान लीला, सुजान रसखान। सुजान रसखान एक संकलन है, उनके स्फुट छंद के संग्रह हैं। अष्टयाम, अष्टयाम ये कल्याण संतवाणी अंग में प्रकाशित है और रसखान का माना जाता है। और उनके नाम पर एक ऐसी प्रसिद्धि है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी और हिंदी अनुवाद किया था, किंतु यह अप्राप्य है। यदि कहीं होगा तो मैंने नहीं देखा है। तो मैं सुजान रसखान के बारे में थोड़ा सा तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि सुजान रसखान रसखान के स्फुट छंदों का संग्रह है, जिसमें 181 सवैया हैं, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सरोठे हैं। यानी कवित्त, सवैया, दोहा, सरोठा का एक संकलन है सुजान रसखान। और इस संकलन में भक्ति का रस है, प्रेम का रस है, राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का कथन है, उनकी रूप माधुरी का वर्णन है, बंसी मोहिनी का उल्लेख है एवं कृष्ण लीला का वर्णन है। तो सुजान रसखान के कई छंद हम लोग BA एवं MMA पढ़ चुके हैं। इसके बाद उनकी जो प्रेम वाटिका है, ये प्रेम वाटिका एक प्रेम वाटिका है, प्रेम का बगिया है, जिसमें माली और मालिन है। इसमें 53 दोहे हैं
माली के रूप में कृष्ण है और मालिन के रूप में राधा, और परस्पर संवाद के माध्यम से प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण किया गया है। उसके बाद दान लीला, जिसमें 12 विविध छंद हैं, उसमें राधा कृष्ण संवाद है और कुछ पौराणिक कथन है। उसके बाद उनका जो अष्टयाम है, ये अष्टयाम तो बाद में प्राप्ति हुई, इसमें श्री कृष्ण के प्रातः कालीन जागरण से लेकर रात्रि शयन तक की जिन दिनचर्या का वर्णन है। थोड़ा सा मैं इसको और खोल रहा हूं। अष्टयाम का अर्थ है आठ याम, आठ याम मतलब आठ प्रहर, यानी कि प्रातः काल से लेकर रात्रि बीत जाने तक का समय 24 घंटा जो हम लोग कहते हैं, इस 24 घंटा को यदि 8 प्रहर या 8 याम के साथ भाग करें तो एक याम 3 घंटा का होता है। तो हम लोग ये सब कहते हैं, पहले तो समय का मापक प्रहर, याम, घड़ी आदि थी, मापक थे, आजकल तो दिन मास वर्ष हो गए हैं। तो ये जो प्रहर है हम लोग करते भी हैं, दोपहर हो गया है, यानी दिन का जो दूसरा पहर है वो दोपहर है, पहला पहर, दोपहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, रात का भी 4 प्रहर, इस प्रकार 8 प्रहर। हमारे उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अष्ट प्रहरी का नाम यज्ञ भी होता है, वो दिन रात मिलाकर 24 घंटे का होता है, यानी कि अष्टयाम श्री कृष्ण का प्रातःकालीन जागरण से लेकर रात बीतने तक सोने तक का की जो दिनचर्या है, वो क्या करते हैं, क्या खेलते हैं, क्या खाते हैं, है ना, इसके लिए आजकल के कर्मकांडी भी अष्टयाम पूजा करते हैं, तो ये उस अष्टयाम से प्रमाणित होता है। तो उनके व्यक्तित्व के समान उनके कृतित्व भी रस से भरा हुआ है। सहृदय भावुक भक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान का एकांतिक प्रेम उनकी रचनाएं हैं। उनके प्रेम में जो उमंग उठे हैं, उनके भीतर प्रेम की जो ताप थी और उस ताप से जो गर्मी थी, उस गर्मी में उनका हृदय विगलित हो गया, और उस विगलन से जो रसधारा बही वह रस खान की रचनाएं हैं। चाहे वो सुजान रस खान हो, चाहे प्रेम वाटिका हो, चाहे दान लीला या अष्टयाम। विशेष करके हिंदी के पाठक के सामने सुजान रस खान बहुत प्रसिद्ध है। उसके कई छंद भी आप लोगों को सुनाऊंगा, किंतु थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं, समय के अनुसार फिर मैं उसको सुनाऊंगा। मैं कह रहा था एकांतिक प्रेम का उमंग, एकांतिक प्रेम मतलब कृष्ण ही उनके आराध्य हैं, कृष्ण प्रेम ही सर्वस्व है, कृष्ण प्रेम को छोड़कर वे अन्य जो आराध्य देव हैं उनके पास नहीं जाते। और उस कृष्ण परम प्रेम जो उनको महावन में वृंदावन में मिला, जुगल रूप ललाम के दर्शन हुए, उससे उनके हृदय में जो प्रेम की धारा बही, उसमें से सरस रचनाएं छंदबद्ध होकर निकली, चाहे वो सवैया हो, कवित्त हो, दोहा हो, सोरठा हो, वो सारे रस खान के कृतित्व हैं। रस खान श्रद्धा प्रेम भक्ति रस के सागर हैं, यानी कि कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा, कृष्ण लीला के प्रति, कृष्ण के की विभिन्न लीलाओं के प्रति प्रेम, कृष्ण के संपर्क में आए वस्तुओं के प्रति प्रेम,
और उसमें जो उनकी भक्ति है, कृष्ण भक्ति, उस रस का सागर है। मैं उस रस के सागर का एक छंद आपके सामने रख रहा हूं जो मैंने अपने समय में बीए में ये छंद मैंने पढ़ा था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये छंद पढ़ाने वाले एक उड़ीसा के प्रसिद्ध अध्यापक वो अभी नहीं है, तब तो हमको रस खान समझ में भी नहीं आता था। मुझे उन्होंने छंद की आवृत्ति सिखाई थी, उनका नाम है डॉक्टर चतुर्भुज महंत। अभी इस जग में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। पंचायत कॉलेज में पढ़ते समय मैं उनका शिष्य रहा हूं और उस समय वे उड़िया के रीतिकालीन कवि और हिंदी के रीतिकालीन कवियों पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे और वे बहुत सफल रहे। तो यहां जो मैं कहने जा रहा हूं, कह रहा हूं कि उनका एक सवैया मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां आप लोग देखेंगे कि रसखान का जो प्रेम, रसखान की जो भक्ति कितना विशाल है, कितना अनन्य है, वो क्या चाहते हैं। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो कुछ ना कुछ चाहते हैं, प्रेमी से तो कुछ चाहेंगे ही, किंतु रसखान क्या चाहते हैं सुनिए। आप लोगों के पाठ्य सामग्री में यदि आप लोगों की पाठ्य सामग्री में यदि यह छंद होगा तो ये बहुत उद्धरणीय छंद है। रसखान कहने से हम इसी छंद को जानते हैं। सुनिए छंद, रसखान क्या कहना चाहते हैं। सुजान रसखान का सुजान रसखान से संकलित मध्यकालीन काव्य नामक पुस्तक में कुछ छंद है। उसका पहला छंद है, मानुष हो तो वही रसखान। मैं आवृत्ति के साथ आपको सुनाने जा रहा हूं जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कुल कदंब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कुल कदंब की डारन। ये रसखान की इच्छा है। इसमें रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्मूं तो मैं कहां बसूं, कहां रहूं। ब्रज के, गोकुल के, गांव के, ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, मैं वहां रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो कहां रहूं, कहां चरूं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, नंद की जो गोपल हैं, धेनु हैं, गायें हैं, उसके मध्य में रहकर मैं चरूं, मेरा निवास वहां हो, मैं वहीं से कृष्ण का सानिध्य पाऊंगा। पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गिरी का पत्थर बनूं, उस गिरी का पाहन बनूं, जिस गिरी को छाते के समान पकड़े थे किसके विरुद्ध, इंद्र के विरुद्ध। इंद्र ने भारी वर्षा की थी गोकुल को तबाह करने के लिए। कृष्ण प्रेम से कुपित होकर, गुस्सा होकर इंद्र ने पानी बरसाया था और उस वर्षा से बचने के लिए छाते के समान भगवान कृष्ण ने गोवर्धन गिरी को धारण कर लिया था। तो रसखान कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो उस गिरी का पत्थर बनूं, ताकि मुझे कृष्ण का सानिध्य मिले, उनका साहचर्य मिले। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी बनूं
तो कहां बसेरा मेरा हो, कालिंदी यानी कि जमुना, जमुना के किनारे जो कदम्ब की डाल है उस डाली पर मेरे बसेरा हो, मैं वहीं से कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता हूं। यानी कि भक्त रस खान, भावुक कृष्ण भक्त रस खान अपने को मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पत्थर के रूप में और पक्षी के रूप में यदि कभी पाए तो उनकी हार्दिक इच्छा है कृष्ण का साहचर्य पाना, भगवान कृष्ण का सानिध्य पाना। तो आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि रस खान का यह छंद किस प्रेम रस का सागर है। रस खान क्या चाहते हैं? रस खान की चाहत ऐसा है कि वो कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी समाधि उसी वृंदावन में बने और उसी वृंदावन के महावन में बने जहां करील के कुंज हैं। करील के कुंज के बीच वो देह त्याग करें, वहां रहें। और आज भी अगर देखने जाएंगे या इंटरनेट के माध्यम से आप देखना चाहेंगे सर्च करके, तो महावन में वो सारे दिखाई पड़ेंगे। इससे संबंधित एक प्रसिद्ध छंद आपके सामने रख रहा हूं, फिर उनके कृतित्व की चर्चा करूंगा। देखिए, कृष्ण के उपयोग की हुई वस्तुओं के प्रति कितना प्रेम है रस खान का, उसका एक छंद आपके सामने, उदाहरण के सामने रख रहा हूं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारू, रस खान कबो इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारू, कोटिन हूं कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारू। अर्थात रस खान यहां कह रहे हैं कि लकुटी और कमरिया जो कृष्ण की प्रिय वस्तुएं हैं, उन पर मैं त्रिपुर का राज, त्रिलोक का राज मैं न्यौछावर कर दूं। अगर मुझे त्रिलोक का राज भी मिले तो मैं उसको त्याग कर सकता हूं और लकुटी और कमरिया पर अपना जीवन समर्पण कर सकता हूं। आठ हूं उसके सामने, आठ हूं सिद्धि नवो निधि को सुख मैं कहां त्याग करूं, नंद की गाय चराए विसारू। अष्ट सिद्धि और नवनिधि ये दुर्लभ संपत्तियां हैं, ये पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी साधना करते रहते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि। किंतु ये रस खान को नहीं चाहिए। रस खान को क्या चाहिए? वो गाय चराना चाहते हैं। कहा नंद की गाय चराए, नंद की गायों को चरा करके मैं उस सुख को, उस संपत्ति को न्यौछावर कर सकता हूं, त्याग सकता हूं। रस खान कबो इन आंखें निते, रस खान कहते हैं इन आंखों में ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारूं, मैं ब्रज की वृंदावन के वन बगिया वहां के पोखर आदि को कब देखूं, कोटिन हूं कल धोत के धाम, मैं सोने के मंदिर सोने के धाम को भी त्याग कर सकता हूं। किससे? कहां जाकर? करिल के कुंजन ऊपर बारो, यानी कि जो वृंदावन की जो करिल कुंज है, जो कटिले कुंज है, उस कुंज के सामने सोने के मंदिर को मैं त्याग कर सकता हूं। यह है रस खान का कृतित्व, यानी कि रस खान कृष्ण प्रेम में मग्न है, स्निग्ध है। कृष्ण प्रेम उनके लिए सर्वस्व है। इस प्रकार उनके
उनकी रचनाओं में कृष्ण लीला वर्णित है। कृष्ण की कई लीलाएं, भाग लीला है उसमें, उनके माधुर्य लीला, प्रेम लीला, गोपियों का विरह वर्णन भी कहीं है, गोपी कृष्ण संवाद भी है, आदि आदि ये सब वर्णित हैं। और उसमें प्रेम रस है, श्रृंगार का मधुर पक्ष उसमें है, और उस मधुर पक्ष माधुर्य प्रसाद गुण से सरस और सजीव है। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को उन्होंने अपनाया और ब्रज भाषा को इतना सरल और सजीव बना दिया है कि उसको पढ़ने से सहज ही समझ में आ जाता है और हृदयंगम हो जाता है। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय संगीत में ब्रज भाषा को अपनाया गया है, इतना कोमल है वो, इतना सरस और सजीव है वो भाषा। तो कोमल कांत, सरस और सजीव, माधुर्य और प्रसाद गुणमयी ब्रज भाषा को काव्य भाषा बनाया और उस भाषा में रसखान ने रचनाएं की, कवित सवेया, दोहा, सुरठा आदि विभिन्न छंदों के रचनाओं से उनका कृष्ण भक्त का कृष्ण भक्ति काव्य हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में एक महती भूमिका अदा करता है। उनके कृतित्व में अर्थात उनकी रचनाओं में स्वच्छंद प्रेम का निरूपण है और उनके हृदय के भीतर जो मुक्त साधना थी, हृदय की मुक्त साधना उनकी भक्ति है। उस मुक्त साधना में कहीं कुछ प्राप्ति की आशा नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति भावुक हृदय की अभिव्यक्ति है। अतः इन सभी दृष्टियों से हिंदी भक्ति काल के आखिरी पायदान में और रीतिकाल के उभरते हुए पायदान में यह रसखान स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहलाता है। रीतिकाल में जो रीतिमुक्त काव्यधारा, स्वच्छंद काव्यधारा की एक शाखा बही, एक धारा बही, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा आदि कवि हुए, जिसमें स्वच्छंद प्रेम का उद्गार है, उसके प्रवर्तक रसखान कहलाते और माने जाते हैं, क्योंकि उनके कृतित्व में स्वच्छंद काव्यधारा का समावेश है। उनके हृदय का जो स्वच्छंद मुक्त धारा है वो धारा ही उनकी रचनाएं हैं। वहां प्राप्ति के लिए कुछ नहीं है, वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, वहां कृष्ण प्रेम ही सार है और कृष्ण भक्ति ही सार है। तो निष्कर्ष रूप में जिस प्रकार रसखान का व्यक्तित्व भावना से भरा, प्रेम रस से भरा है, उसी प्रकार उनका कृतित्व भी प्रेम रस से भरा है, प्रेम का सागर है, वहां वात्सल्य रस भी है। मैं एक वात्सल्य रस का छंद आपके सामने सुना करके आप लोगों को सुनाऊंगा और फिर मेरे वक्तव्य की समाप्ति करूंगा आज के लिए। वहां तो श्रृंगार के कई छंद हैं, श्रृंगार के छंद हैं, भक्ति के छंद हैं, कृष्ण प्रेम के छंद हैं, अपना निजी हृदय का कथन है वो क्या चाहते हैं, किंतु वात्सल्य रस देखिए जो चित्रात्मकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण उदाहरण के रूप में आपके सामने आता है, यानी कि बाल कृष्ण का चित्रण जो सूरदास में हम लोग पाते हैं, जो तुलसीदास में पाते हैं, राम के बाल रूप का चित्रण, वही बाल रूप का चित्रण रसखान के सुजान रसखान में भी हम लोग पाते हैं। यह भी एक
सवैया है, मैं आपको सुना देता हूं और इसके इसको सुना करके इसके अर्थ बताऊंगा और फिर हम लोग फिर परिचर्चा में जाएंगे। समय 2-3 मिनट बचा है, मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। इसमें कृष्ण के बाल रूप का चित्रण है जो चित्रात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। धूरी भये अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिरी सुंदर चोटी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिरी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी, वाछवी कोरस खानी बिलोकत बारत जी कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी। देखिए हमारा भाग्य तो है नहीं कि हम कृष्ण के हाथ की रोटी खाएं, कृष्ण के हाथ का मक्खन रोटी हमें मिले, किंतु जो कौवा है वो कितना सौभाग्यशाली है, कितना बड़ा भाग है। देखिए कृष्ण का जो शरीर है वो धूलि से मंडित है, धूल धूसरित है ना। एक गाना है अनुज लेटा गाते हैं तुलसीदास का, बहुत बड़ा छंद, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उसको याद कर लीजिए। सूरदास का प्रसिद्ध छंद, शोभत कर नवनीत लिए घुट रेणु चलत तनु रेणु मंडित, है ना। और उसके आगे थोड़ा सा क्या है, किया किए चलत शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि उनके कृष्ण के हाथ में नवनीत है, वो शोभा पा रहे हैं, उनके शरीर में धूल लगी हुई है, रेणु तनु मंडित है ना, मुख ददी लेप किए घुटुरुनु चलत, घुटने से चल रहे हैं, रेणु तनु मंडित, शरीर में रेणु है, धूल है, और मुख दधी लेप किए, मुंह में दधी लेप कर दिए हैं, दही मक्खन लेप कर दिए हैं, कृष्ण का वो रूप को छवि निहारी है। तो यहां भी रसखान कहते हैं धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, श्याम बाल श्याम बालक कृष्ण धूरी से भरे हुए हैं, धूल से लतपद है और शोभित है, और उनकी चोटी भी सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते अंगना में घूम रहे हैं, पग पैजनिया कटी पीली कछोटी, यानी कि उनके कटी में, उनके कमर प्रदेश में पीली कछोटी है और पग में पैजनिया है। इस छवि को रसखान देख करके कोटि कामदेव को भी बिसरा सकता है, कामदेव भी इसके सामने फेल हो जाते हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं बाल कृष्ण। और उस कौवा का भाग्य भी बहुत बड़ा है, वो बहुत सौभाग्यशाली है कि हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, वह कौवा हरि के हाथ से मक्खन रोटी झपट करके ले जाता है। देखिए ये चित्र, ये रसखान है, बात्सल रस का ऐसा खान, ऐसा सागर रसखान के बिना, या रसखान के जो रसखान की रचना है उस रचना दुर्लभ उदाहरण और अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि की भावुकता, उसका प्रेम उद्गार और कृष्णमय व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को हम लोग थोड़ा सा उसमें रस ले रहे थे। मैं समझता हूं अब जो परिचर्चा होगी उसमें जो कुछ छूट गया होगा वो सब भी आ जाएंगे। तो इतने में मैं अपना वक्त भी यहीं समाप्त कर रहा हूं, रसखान के बारे में आगे परिचर्चा होगी। आप सभी ने इतने समय से, 1.5 घंटे से लेकर मैं पूरा ज्यादा हो गया, आप लोग कहीं से आवाज
आप सभी को धन्यवाद। जैसे निर्देश हमारे देंगे हमारे सूत्रधार अभिषेक जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर आपका इतने मनोरम व्याख्यान के लिए। अपने विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थियों के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई दुविधा हो तो उनसे निवेदन है कि चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके सीधे तौर पर सर से पूछ सकते हैं, अथवा उन्हें अगर लिखने में भी कोई बाधा आ रही हो तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके अपने प्रश्न रसखान से संबंधित जो भी उनके मन में प्रश्न हो वो सर के समक्ष रख सकते हैं। तो स्वागत विद्यार्थियों, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। इसमें कई नाम देखने को मिल रहा है ना, तरुण बाघ, श्री कृष्ण मिश्र मल्लिक है ना, अभिषेक सिंह, अनीता सिंह, ऐसे कई नाम है, बहुत सारे नाम, बहुत विद्यार्थी हैं है ना, प्रीति शर्मा, बहुत 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 विद्यार्थी हैं, बहुत सारे नाम इसमें हैं। जी सर, सर विद्यार्थियों को कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, कोई नहीं, बीए की कक्षा है विद्यार्थियों के लिए भी नया नवीन है, रसखान वगैरह हो गया या भक्ति काल हो गया वो पूरा नया रहता है। जी सर, एमए की कक्षा होती है तो प्रश्न ज्यादा निकल करके आते हैं, ये शुरुआती दौर है हिंदी साहित्य को जानने परखने सीखने का, तो इस वजह से प्रश्न कम हो, कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों, अगर इसके इतर भी आपने कभी कोई, जी सर कोई असुविधा नहीं। प्रश्न देखिए, प्रश्न हो या जरूरी नहीं है, किंतु यदि किसी के मन में कोई शंका हो कि ये कैसा हो गया, वो प्रश्न के रूप में हो जाता है। और जब किसी कवि के व्यक्तित्व को हम सही रूप से परख लेते हैं फिर प्रश्न नहीं होता है। जहां जहां प्रश्न होने वाला था मैंने उसका समाधान निकाल लिया है पहले। जी 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 सर, है जहां शंकाएं हो सकती थी जन्म को लेकर है ना, और उनके समय को लेकर, ये शंकाएं उनके नामों को लेकर, इसका समाधान मैं निकाल लिया था। यानी कि अध्ययन करते हुए मेरे मन में जो प्रश्न आया कि यहाँ प्रश्न हो सकता है, उसका समाधान पहले मैंने निकाल लिया था, निश्चित है ना। हाँ, यानी कि रसखान इनका नाम है कि नहीं इस पर एक प्रश्न हो सकता है। रसखान के नाम में प्रसिद्ध हैं, तो मैंने अपने व्याख्यान में कहा है कि रसखान रसखानी के रूप में प्रसिद्ध है, मियां रसखान के रूप में प्रसिद्ध है, और सैयद इब्राहिम के नाम से। तो रसखान के रूप में, जैसे मध्यकालीन काव्य हम लोग पढ़ते थे बीए में, तो उसमें रसखानी लिखा गया, रसखानी, तो वही एक नाम है रसखानी। उनकी जो कविता है, यही रसखानी, वही रसखानी, जो रसखानी सोई रसखानी, तो इसमें रसखानी शब्द का प्रयोग, तो नाम को लेकर। किंतु उनके, देखिए यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि उनके माँ पिता कौन थे, माँ पिता के बारे में तथ्य नहीं है, ये हमें कहीं नहीं मिला है, कहीं मिलेगा तो खोज करना पड़ेगा कौन माता पिता थे। और एक जन्म स्थान को लेकर जो एक भ्रम था मैंने समाधान कर दिया है, पिहानी जो नाम है वो दिल्ली के आसपास भी पिहानी नाम मिलता है, और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पास भी पिहानी मिलता है, और हरदोई जिले में सैयद इब्राहिम रहते थे जो बहुत बड़े ओहदेदार थे, मुस्लिम थे। तो ये पिहानी को ध्यान में रखते हुए रसखान को उपनाम माना गया, और सैयद अहमद का को उसका असली नाम माना गया। किंतु डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में, बाद में जो अनुसंधान हुआ उसमें रसखान को दिल्ली का माना गया, क्योंकि वो दिल्ली से चले आए थे, है ना, दिल्ली के गदर देख करके 15-20 साल की उम्र में वो वृंदावन चले आए, तो 15-20 साल वहीं के रहे होंगे ऐसा अनुमान किया जाता है। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को आपको बता देता हूं, मध्यकाल में जितने भी कवि हुए हैं
इनका बहुत प्रामाणिक जीवन तथ्य हमारे सामने है, बहुत प्रामाणिक, और उसमें ज्यादा जनश्रुतियां हैं और अप्रामाणिक जीवन बहिर साक्ष्य के जीवन हैं, जो बहुत कुछ कहा गया है बहुत कुछ नहीं कहा गया है। प्रसिद्ध कवियों के बारे में भी, सूरदास के बारे में भी ऐसा है, तुलसीदास के बारे में ऐसा है, रसखान मीरा ये सब के बारे में भी ऐसा है, किंतु कुछ ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार उन सभी समस्याओं का समाधान निकलने का प्रयास किया गया है और हिंदी साहित्य के विद्वान सफल हुए हैं। तो रसखान 1533 में ही जन्म हुए थे इसका प्रमाण कहीं नहीं, ये सब अनुमान है ना। 1509 में उसका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ये भी अनुमान है, अनुमान के आधार पर, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, किंतु प्रमाण यह है कि दिल्ली छोड़कर के वो वृंदावन आए थे, ये अंत साक्ष्य का प्रमाण है, प्रेम वाटिका का प्रमाण है, उन्होंने उल्लेख किया है, गदर का ठसक छोड़ करके मैं चला आया, ये है। तो ये कुछ प्रश्न रह सकते हैं। और विद्यार्थियों के हित क्या होता है कि आपके पाठ्यक्रम में यदि कुछ छंद दिए होंगे उसकी व्याख्या करने के लिए, तो उसकी व्याख्या के लिए व्याख्या संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, उनमें कतिपय विशेषताएं हो सकती हैं, उसके संदर्भ प्रश्न से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, और यदि प्रश्नोत्तर के रूप में उनके सामने कुछ कहा जाए कि क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो प्रश्न आ सकता है संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आ सकता है कि रसखान के जीवन चरित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रसखान के व्यक्तित्व का को रेखांकित कीजिए, और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, दीर्घ प्रश्न के रूप में आ सकता है कि रसखान के कृतित्व का मूल्यांकन कीजिए, रसखान की रचनाओं में अभिव्यक्त कृष्ण प्रेम को रूपायित कीजिए, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो उसमें क्या होगा, विद्यार्थी कर लेंगे, उदाहरण देना पड़ेगा, बिना उदाहरण से कुछ बात परिपुष्ट नहीं होता है, होती है, आप कुछ लिखेंगे, कुछ विचार देंगे, उसको उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करना पड़ता है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से यह आग्रह है कि रसखान से संबंधित दो चार छंद जितना हो सके उसको याद कर लिया जाए, छंद के अंश याद कर लिया जाए, उनको रसखान के प्रश्नोत्तर लिखने में बहुत सुविधा होगी, है ना। बस ये है समाधान के रूप में, मैंने कुछ बताया विद्यार्थियों के हित, है ना। अभिषेक अभिषेक के जिनमें के मन में कुछ उत्सुकता हो सकती है ना। नहीं सर, नहीं सर, अभी मेरे मन में उत्सुकता नहीं है जी सर। मेरे मन में उत्सुकता होती है तो मैं तो कभी भी अपने शंका दुविधा आपसे पूछ करके दूर कर सकता हूँ। हाँ अच्छा लगता है। तो आपने जो 5 बजे तक समय दिया था, तो मैंने सोचा कि आधा घंटा, मैं पिछली बार बहुत सारे प्रश्न हो गए, हाँ सर, मैंने सोचा कि मैं ठीक 4:30 में बंद करूंगा और 4:30 से आधा घंटा जो बचेगा, ये आधा घंटा हम विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। जी सर, जी सर, विद्यार्थी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, विद्यार्थी कुछ बता भी सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं। जी सर, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई शंका हो तो सर ने अपना समय आप लोगों को दिया है, आप उस सब समय का लाभ उठाइए, अपनी शंका प्रश्न की आवाज आ रही है, कुछ विद्यार्थियों की आवाज आ रही है, ऑफिस में बैठा हूँ तो इधर आवाज आ रही होगी आपकी। हाँ जी, मैं विश्वविद्यालय में हूँ तो हो सकता है इधर मेरे पीछे मेरे साथियों की आवाज आ रही होगी, विद्यार्थियों को माइक है। जी जी सर, हाँ आप ऐसे लग रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप तो यूनिवर्सिटी में है क्या? हाँ सर, हाँ सर, घर पर अलग होता। जी जी जी, जी आप विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे हैं, कई आपके विद्यार्थियों, आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप कृपया करके यहाँ पूछ सकते हैं, अन्यथा चूंकि समय भी हो रहा है तो हम इस कक्षा को फिर समापन के लिए ले गए हैं। तो अंत में अगर मैं आपको कुछ समय आपके पास है,
देवाशीष बारिक जुड़े हैं। जी जी सर, वो तकनीकी सहायता में आज हमारे देवाशीष जी, वो तकनीकी सहयोगी आज के हमारे आज की इस कक्षा में देवाशीष सर। प्रीति शर्मा कह के जुड़ी हैं, प्रीति शर्मा जी। जी 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 सर, है ना, आओ आपके पास समय है ना जी सर। साक्षी साहू जुड़ी है ना, नशरीन खातून जुड़ी हुई है, लक्ष्मी प्रिया मिश्र जुड़ी हैं, है ना, तो ऐसा ही है ना। अच्छा लगता है कि जब विद्यार्थियों से बातचीत होती है और ये संवाद हो रहा है, विद्यार्थियों से आपसे संवाद हो रहा है, और शायद आप सब ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, जिससे फिर बाद में विद्यार्थियों को सुनाएंगे, अच्छा होगा। आपका प्रयास बहुत ही साधु प्रयास है, और मैं तो समझता हूं कि जरूरी नहीं कि हर मुख में भगवान का नाम आना चाहिए, है ना, यह जरूरी है इंसान हर इंसान का काम आना चाहिए, यानी कि भगवान का नाम मुख में ना आए और इंसान के काम में किसी के काम में कोई लगे तो वह भी इबादत है, वह भी पूजा है। तो आप मुझे अपने काम में इस प्रकार लगा लेते हैं कि सर समय दीजिए और मैं तमाम काम छोड़ करके आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं, यह मेरे लिए पूजा है। और आज थोड़ा सा हम पुजारी भी लग रहे हैं, है ना हम एक गए थे कार्यक्रम में, गए थे फिर कपड़ा नहीं बदले हैं, चलिए वही उजला पहने हैं, तो आसपास में फिर पहन लिए, कोई नहीं। जी सर, जी सर, नहीं सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आज आप। बात है कि हम लोग कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, कृष्ण भक्त कवि रस खान के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक भक्तिमय वातावरण है, तो वस्त्र भी वैसा होना चाहिए, मैंने इसलिए नहीं उतारा। मध्यकालीन काव्य में जो रस है, मेरे विद्यार्थी अगर सुनते होंगे तो उससे अवगत हुए बिना हम आधुनिक काव्य नहीं समझ, मध्यकालीन काव्य भार नहीं समझना। रस खान, मीरा, तुलसी, सूरदास, कबीर, ये हमारे पुखे हैं, इनको पढ़े बगैर, जाने बगैर, इनकी कविताओं से डूबे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कृष्ण भक्ति की जो दो संप्रदाय विहीन कवि कवयित्री, एक तो मीराबाई और दूसरा जो रस खान, इनके जो सुजान रस खान है और जो छंद है वो सब अद्भुत है, उसमें कविता का चमत्कार कम है, काव्य का चमत्कार कम है, उसमें छंद है, लय है, संगीत है, वह उसे गा करके आनंद ले सकते हैं, उसे पढ़ करके आनंद ले सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो रामायण धारावाहिक के जो गायक है ना, है ना, जो गायक, थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं, रविंद्र जैन, वे कवित्त और सव्या के बहुत अच्छे गायक थे, कवित्त के गायक थे वो, कवित्त और सव्या को बहुत अच्छे गाते थे रविंद्र जैन। रामायण में बहुत सारे कवित्त ऐसे आए हैं जिनका उन्होंने संगीत दिया है, उसको गाया है, स्वरबद्ध किया है। तो रस खान के कवित्त को, मीरा के तो संगीत है ही, मीरा संगीत तो प्रसिद्ध है, राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह मीरा संगीत सुनिए, मीरा के संगीत अनुज लोटा गाते हैं और बड़े बड़े सब गायक गाते हैं, किंतु रस खान के कवित्त भी गाए जाते हैं। रस खान के कवित्त बड़े चाव से रविंद्र जैन गाते थे, तो ये भी उनके हृदय की बात है, इसमें इतनी सरलता है, सहजता है, इसमें इतनी गीयता है, संगीत बद्धता है। तो रस खान की रचनाओं को और उसके रस को आप
लें और उससे लाभान्वित हों। ठीक है अभिषेक जी, यदि ऐसी कुछ बात न हो तो जी आप... जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके इतर भी अगर विद्यार्थियों कोई प्रश्न रहेंगे, कभी भी उनके मन में शंका आएगी तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी अपने प्रश्न मुझ तक पहुंचा सकते हैं या चाहे तो सीधे तौर पर सर के समक्ष भी रख सकते हैं। निरंतर मिलता रहेगा। और मैंने क्या किया कि मैं सहज रूप में उनके व्यक्तित्व के कई बिंदुओं को मैंने छुआ, उनके कृतित्व के बारे में जो कुछ मुझे सामग्री मिली जो मिली उसमें मैंने कुछ उल्लेख किया और विद्यार्थियों के लिए छंद की आवृत्ति करके सुनाया कि कवित्व छंद को की आवृत्ति कैसी होती है। तो छंद की आवृत्ति ऐसी होती है और इसको पढ़ा भी जा सकता है, गाया भी जा सकता है। तो हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया था, चतुर्भुज महंतों ने हमें आवृत्ति सिखाई थी, रस खान के इस छंद की आवृत्ति, जिसका मैंने आपके सामने उस आवृत्ति की। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे, यही आशा है। तो आज समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। जी सर, जी आपके निर्देशार ना, यदि प्रश्न ना हो फिर बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबकी मंगल कामना, सबको मंगल कामना अर्पित करता हूँ, शुभकामना देता हूँ, विद्यार्थी आगे बढ़ें। देखिए हिंदी ऐसा विषय है, हम लोग उड़िया भाषी लोग वा हिंदी भाषी लोग जो भी हो, मातृभाषा के साहित्य को पढ़ने की अतीव आवश्यकता है। आपको दुखद समाचार दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाते हैं और उड़ीसा में सबसे अधिक विद्यार्थी, मैट्रिक तक के विद्यार्थी उड़िया में फेल हो जाते हैं। मित्रों, दिनों दिन हमारी मातृभाषाएं कमतर होती जा रही हैं, मातृभाषा के प्रति हमारा प्रेम घटता जा रहा है। तो रसकान का साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, हिंदी का साहित्य, उड़िया का साहित्य पढ़ करके अपनी अपनी मातृभाषाओं को हम लोग समृद्ध करेंगे। और अपनी मातृभाषा उड़िया होते हुए भी जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं वो तो और समृद्ध होंगे, जैसे मैं समृद्ध हुआ हूं, है ना। दो मातृभाषाएं होंगी, एक उत्कल माता की भाषा और दूसरी भाषा भारत माता की भाषा, है ना। तो हिंदी भारत माता की भाषा है, उड़िया उत्कल माता की भाषा है। तो हमको तो दो माँ मिल गई, दो मातृभाषाएं मिल गई। तो इसलिए ये सारे उड़ीसा के तमाम विद्यार्थी बहुत लाभान्वित होंगे, हिंदी को बहुत चाव से पढ़ेंगे, है ना। और हमारे अभिषेक भाई आपको उत्साहित करते रहेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान वो करते रहेंगे। वो जानते हैं बंबई, दिल्ली, देश विदेश के विद्वानों को बुला लेते हैं इसी मंच पर, हैं कहीं क्या बोलते हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को, हमारे बंगाल के प्रोफेसरों को, दिल्ली के प्रोफेसरों को बुला बुला करके भाषण दिलवा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग अगर ऐसे लोगों को पाते तो क्या होता, किंतु क्या करें, जो मिला सोई अमृत है हमारे लिए। हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, अभिषेक जी हमें जुड़ते हैं, हम बहुत धन्य हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। इसी तरह सर आपका आशीर्वाद से हमें हमारे विद्यार्थियों को मिलता रहे सर। हाँ, और आगे आगे का यदि कुछ फिर हो, अगले शुक्रवार हो, ऐसा सूचना दे दीजिएगा। जी जी हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अवश्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पुनः एक बार। ठीक है, सर आप अपने ओर से चाहें तो इसका कॉल को एंड कर सकते हैं सर, कक्षा यहीं समाप्त होती है। विद्यार्थियों, आप लोग चाहें तो अपने ओर से इस कक्षा को समाप्त कर सकते हैं, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप लोग इसी तरह निरंतर कक्षा में जुड़ते रहिए, क्योंकि बिना आपके कोई भी कक्षा संपन्न नहीं हो सकती है, और यह दौर महामारी का है तो इससे थोड़ा बचे रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी लोग हैं, अभी भी सभी लोग हैं, राह देख रहे हैं। जी नहीं सर, आज धीरे धीरे सर हट रहे हैं सर। जी सर, हाँ धीरे धीरे हट रहे हैं, हम हट नहीं रहे हैं, हम आज थोड़ा सा चुप रहे, फिर आएंगे। जी जी सर, बिल्कुल 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 सर। थैंक यू देवाशीष सर। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दूसरे सर।